नमस्कार। आज के दो बड़े कॉल, आज के दो कॉल की अगर बात करेंगे, पहली कमोडिटी कॉपर है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी हमने कॉपर में सेल कॉल दिया था और कॉपर के प्राइसेस में हमने काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी। जिस ढंग से चाइना के नंबर्स काफी खराब आ रहे हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से डिमांड कंसर्न बनी हुई है, हमें लगता है आने वाले दिनों में कॉपर में और बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो 450 का इमीडिएट सपोर्ट अच्छा रहेगा मार्केट में, बट ओवरऑल हमें लगता है आज के सेशन के लिए अगर 453 की रेंज में बेचा जाए 456 के स्टॉप लॉस से, तो पहला इमीडिएट टारगेट तो 450 का है। अगर ये लेवल तोड़ देता तो 446 तक का लेवल कॉपर में देखने मिल जाएगा। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी गवार गम। पिछले हफ्ते में भी हमने गवार गम में एक पैटर्न फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद हमने प्राइजेस में अच्छा खासा उछाल ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के सेशन के लिए भी हमें लगता है कि तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा और अगले हफ्ते के लिए भी तेजी का रुख रहेगा। आज के लिए 8370 की रेंज में लेके चलिए, 8250 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम 8480 का पहला लेवल है और दूसरा लेवल है 8550 का। मे बी ये जो कॉल है गवार गम का, ये आपको मंडे के लिए भी कैरी करना पड़ जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है गवार सीड और गवार गम पूरा ही कॉम्प्लेक्स अगले हफ्ते में भी तेजी का रूप दिखाएगा।